बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल, उम्मीद है सब खैर खैर से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज हम आए हैं दोबारा फिर खेतों में, क्योंकि कुछ दिन पहले हम आए थे थोम वगैरह लगाने के लिए आए, क्योंकि हमने आज से पहले कभी लगाए नहीं। तो एज दार हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर अच्छा लगा तो मज़ीद और लगाएंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम लगाएंगे, तो मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा। भाई को ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, साथ भाई लोग भी हैं, तो भाइयों के साथ मिलकर ना अपनी ये जो जगह ना यहाँ पर लगाते हैं थोम। ये वाली जगह जो नज़र आ रही है मिट्टी वाली, यहाँ पर हम कोड़ी काट कर गए थे, लेकिन दोबारा फिर सख्त हो गया। तो अभी ना हम लेकर आते हैं दोबारा कहीं वगैरह, तो अब दोबारा फिर करते हैं इसके कोड़ी। क्या हाल है, तो कहीं ये पड़ी है, इधर से कहीं लेते हैं, तो ये कहीं उठाते हैं इधर। क्या कर रहे इधर, झूले ले रहे हो? अच्छा, अरे ये टूट गई, ये बांस के साथ बनाई है। वाह क्या टेक्नोलॉजी है यार, आ गए अपनी जुगाड़ लगाई है ये। किसने बनाई है ये? डेरे में भाई ने बनाई थी। सही है, देखो जी बच्चा आज अकेले ही, आज अकेले ही आए हो। अच्छा, तो बच्चा भी मज़े से ना झूले ले रहा है। छोटे होते हैं हम भी ना अक्सर ऐसे जो घर में ना पिंग वगैरह हम बना लेते थे, तो फिर हम लेते थे। लेकिन ये देखें, एक ये दरख्त है, एक ये दरख्त है, उसके अंदर ना ये बांस लगा है। ये बांस के साथ इन्होंने रस्सा बांधा, तो साथ नीचे फिर बांस बांध जी। ये सुपरमैन लगे आप। अब मैं बैठ रहा हूँ, बच्चे को मैंने उतार दिया, तो ट्राई करता हूँ, देखते हैं बांस मेरा ये वजन उठा सकते हैं नहीं। अगर टूट गई तो ठीक है, अगर ना टूटी तो ठीक है, टूट गई तो फिर क्या बनेगा? नीचे ड्रम टूट दे नहीं है कि नहीं टूटेगी? आवाज कितनी जबरदस्त आ रही है, वो टूटने वाली आवाज आ रही। चलो ठीक, वो बकरिया बच्चा भी आ गया, इसको बैठाएंगे जी। मेरा जो तजुर्बा कामयाब हो गया, बच्चे ने ना सच बोला, तो कहता नहीं टूटेगी, मगर नहीं टूटी, क्योंकि मैंने अपना जो सारा वजन है, अपने बॉडी का जो सारा वजन है वो डाला, लेकिन ये रस्ता बहुत मजबूत है, नहीं टूटा। तो अब बेफिक्र होकर मैं थोड़ा सा और झूला ले लूँ। जी अभी चंद हफ्तों के बाद हमने दोबारा फिर से काम शुरू कर दिया इधर। देखिए लहसुन लगाने की तैयारी हमने दोबारा शुरू कर दिया। लहसुन लगाना इतना आसान काम नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अभी भाई बशीर ज़मीन को दोबारा फिर खुदाई करके नरम करेंगे। हाँ हाँ, फिर आप क्या कर रहे हो, आप ही लोगों के साथ काम करते? अच्छा, तो इसने ये कांडी बकरी है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हाथों में ये छाले बनना शुरू हो जाते हैं, और जो जिसने ये काम ना किया उसको सांस वगैरह बहुत ज़्यादा चढ़ने लग जाते हैं। तो खैर अभी सांस और छाले वगैरह तो नहीं बने, क्योंकि छोटा सा काम, लेकिन वैसे अपने वो जो तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ जी। ये हमारे पास लहसुन है, तो हम ये घर से लेकर आए थे, तो इसको ना अब ऐसा हम एक लहदा लहदा करेंगे, इसे हम तुरियाँ बोलते हैं या जवे बोलते हैं, जो भी है इसको जल्दी से हम कर लेते हैं लहदा लहदा। तो अब ना वो ज़मीन हमारी नरम होना शुरू हो गई है, तो देखिए जी ऐसे माशाल्लाह हमारा भी ऐसा थोम होगा। तो देखिए जी आधे से ज़्यादा हमने काम कर लिया, तो बिल्कुल ज़मीन हमारी नरम होगी। हाँ जी भाई बशीर, हो गई नरम? हाँ जी। तो अब लगाएं, तो देखिए जी ये थोम मेरे हाथ में है जो लहसुन है, तो हमारा जो काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो अब बस ये लगाएंगे। चलें जी। लाओ
जोटा जोटा लाए जो दिल लगा रहे ना फिर पुटी जा रहा उधर नहीं लगा। हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हुआ खत्म। तो अभी हम करते हैं अपनी वीडियो को इधर एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी चलें चले चले चले। तो ये हाँ मेरी उम्मीद है थॉम की जो फसल है वो हमको मिले। क्यों?